थालापति विजय ने कुछ दिनों पहले अनाउंस किया था कि वो एक्टिंग से रिटायरमेंट लेने वाले हैं। उनकी फिल्म द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम और उसके बाद आने वाली थालापति 69 के बाद विजय एक्टिंग छोड़ देंगे। अब रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि उनके आखिरी फिल्म के लिए कोई प्रोड्यूसर ही नहीं मिल रहा। इस साल फरवरी में थालापति विजय ने अनाउंस किया था कि वो फिल्में छोड़कर पूरी तरह से पॉलिटिक्स में आ जाएंगे, अपना सारा समय केवल अपनी पार्टी को देंगे। इससे पहले वो दो फिल्मों में काम करेंगे क्योंकि इन दो फिल्मों के लिए वो कमिट कर चुके हैं। इनमें से एक होगी द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम और दूसरी उनकी अनटाइटल्ड फिल्म होगी जिसे फिलहाल थालापति 69 बुलाया जा रहा है। koimoi.com की रिपोर्ट के मुताबिक थालापति 69 को पहले RRR वाले प्रोड्यूसर DVV धनैया प्रोड्यूस करेंगे, मगर अब उन्होंने प्रोजेक्ट से हाथ खींच लिया है। रिपोर्ट के मुताबिक इसकी वजह विजय की बढ़ती डिमांड है। पहले इस फिल्म के लिए विजय 200 करोड़ रुपए की फीस चाह रहे थे, बाद में उन्होंने इसे 250 करोड़ रुपए कर दिया। सिर्फ यही नहीं, कहा यह भी जा रहा है कि विजय ने फीस बढ़ाने के साथ साथ प्रोड्यूसर से डिमांड करी है कि इस फिल्म के लिए वो डायरेक्टर एच विनोद को हायर करें, जो थुनिवो, वाली मई और ब्लफ मास्टर जैसी फिल्मों के राइटर हैं। कहा यह भी जा रहा है कि प्रोड्यूसर विजय की इस बात से सहमत नहीं है, यही वजह है कि उन्होंने फिल्म से अपना हाथ खींच लिया है। ट्रैक टॉलीवुड की रिपोर्ट के मुताबिक थालापति 69 के पास अब कोई प्रोड्यूसर ही नहीं है। ऐसे में टीम KVN प्रोडक्शंस के पास भी पहुंची, मगर अभी तक कुछ भी फाइनल नहीं हुआ। बताया जा रहा है कि विजय की फीस के साथ साथ एच विनोद के डायरेक्शन को लेकर भी श्योर नहीं है। फिल्म बनने के बाद अगर अच्छी कमाई नहीं कर पाई तो प्रोड्यूसर्स को तगड़ा घाटा होगा, इसीलिए कोई भी थालापति 69 में हाथ लगाने को तैयार नहीं हो रहा है। खैर, फिलहाल विजय की फिल्म गोट रिलीज के लिए तैयार है। इसे वेंकट प्रभु डायरेक्ट कर रहे हैं। इसमें पहले वो मनकथा, मनाडू, विक्टिम और कस्टडी समेत दसियों फिल्में बना चुके हैं। इस फिल्म में थालापति विजय के साथ ही जयराम, योगी बाबू, प्रभुदेवा और मीनाक्षी चौधरी जैसे एक्ट्रेस काम कर रहे हैं। गोट की रिलीज डेट अभी तक बताई नहीं गई है, मगर इसे 2024 के आखिर तक रिलीज किया जा सकता है। आपके लिए खबर लिखी है हमारे साथी मेघना ने, मेरा नाम है विभावरी। एंटरटेनमेंट की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए ललन टॉप सिनेमा। शुक्रिया। शुरू हो गया है YouTube पर ललन टॉप का नया मेंबरशिप प्रोग्राम LT प्रीमियम। क्या होगा इसमें? LT प्रीमियम मेंबर्स किसी भी प्लेटफॉर्म से 3 दिन पहले देख सकते हैं गेस्ट इन द न्यूज रूम और किताब वाला जैसे कई शोज। ललन टॉप के हम सब एंकर्स हर हफ्ते आपसे करेंगे लाइव चैट, देंगे आपके सवालों के जवाब। ललन टॉप के न्यूज रूम में क्या होता है? अर्ली एक्सेस ब्लॉग में दिखेगी न्यूज रूम की रोचक जानकारी और उठापटक। ये मेंबरशिप लेने के बाद सिने सन्यासी समेत कई नए नवेले पॉडकास्ट भी आप सबसे पहले सुन पाएंगे। जो हमारे नए शोज प्रस्तावित हैं उस पर भी आपकी राय ली जाएगी, खास तौर पर क्योंकि आप हैं हमारे प्रीमियम व्यूअर। इसके अलावा मजेदार स्टिकर्स के साथ चैट कमेंट करके आप नजर आएंगे सबसे अलग। इन स्टिकर्स का इस्तेमाल आप YouTube के चैट और कमेंट सेक्शन में कर पाएंगे। इस मजे के लिए क्या करना होगा, इस जुड़ाव के लिए क्या करना होगा? जाना होगा ललन टॉप के YouTube चैनल पर और ज्वाइन बटन को प्रेस करना होगा, फिर सिर्फ 59 रुपए महीने में मिलेगा ललन टॉप आनंद। एप्पल यूजर नीचे दिए लिंक पर क्लिक कर LT प्रीमियम सब्सक्राइब करें।